जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो स्टेटिग्राफी से रिलेटेड है, राइट। तो अभी हम स्टेटिग्राफी शुरू करेंगे, उसमें पर्टिकुलरली इंडियन स्टेटिग्राफी की बात करेंगे। तो स्टेटिग्राफी में सब हटीज पहले एक लाइन में देखते हैं, हट इज स्टेटिग्राफी। सो स्टेटिग्राफी क्या होता है कि इट इज ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स अबाउट द स्टेटा विच हैव डिफरेंट पोजिशन एंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू टाइम स्केल। तो वो आगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटिग्राफी और कितने टाइप्स की होती है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिग्राफी, ये सब हम आगे जब इंडियन स्टेटिग्राफी शुरू करेंगे वो तब देखेंगे। अभी मेरा जो कंसर्न है सिर्फ कि जो रॉक डिपोजिशन स्टार्ट होने से पहले क्या कंडीशन रही होगी, कैसा एटमोस्फेयर था, कैसा हाइड्रोस्फेयर था, और वो हाइड्रोस्फेयर कैसे कैसे चेंज हुआ उस सुटेबल कंडीशन में आया कि रॉक डिपोजिट हो सके या लाइफ आ सके। तो अभी हम अर्थ की ओरिजिन से लेकर और रॉक डिपोजिशन की जो कंडीशन है या लाइफ आने की कंडीशन का तक जो एटमोस्फेयर आने तक का जो टाइम है उसमें कैसे कैसे चेंज हुए वो देखेंगे। तो अभी देखिए, प्री कैम्ब्रियन हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, दिस इज द मेजर डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखिए 5 बिलियन ईयर से 4.0 बिलियन ईयर तक का हेड्रियन टाइम है, 4.0 टू 2.5 आर्कियन टाइम, 2.5 से 570 प्रोटेरोजोइक एंड 570 से 240 पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड देन रिसेंट, उसके सेनोजोइक से रिसेंट। तो देखिए हेड्रियन मीन्स अननोन, उस टाइम का हमें कुछ पता नहीं। क्यों नहीं पता है कि उस टाइम, देखो हम प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट, हम प्रेजेंट में जो चीजें देखकर पास्ट के बताते हैं ऐसा रहा होगा, उस टाइम को तो कोई था नहीं। तो हमें जो जो जानकारी उसे एज की प्रिजर्व मिलेगी, जो चीजें रॉक में फॉसिल्स में, तभी तो हम बता पाएंगे। तो इस टाइम के हमें कुछ प्रिजर्व मटेरियल ही नहीं मिलता। तो क्यों नहीं प्रिजर्व मटेरियल, क्योंकि जाहिर सी बात उस टाइम पे इतना टेम्परेचर हाई था, इतना अनस्टेबल इन्वायरमेंट था कि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा था, बनता था तुरंत डिस्ट्रॉय, मेड एंड डिस्ट्रॉय। तो उस कंडीशन में यहाँ कुछ नहीं मिलता है। पहली रॉक जो मिल रही है इंडिया वर्ल्ड में 4.0 बिलियन ईयर की, वो भी बहुत जिरकन के क्रिस्टल प्रिजर्व मिलते हैं उस टाइम पे, वेल प्रिजर्व रॉक भी नहीं मिलती है। उसके बाद जो इंडिया में पहली रॉक मिलती है 3.8 बिलियन ईयर, ये बिलियन ईयर में है, राइट। उसके बाद ये 2.5 ये प्रोटेरोजोइक। तो अभी देखिए ये जो यहां से देखें 4 पॉइंट से 2.5 और 2.5 में भी ये 2.8 यहीं से लाइफ आई थी, राइट। तो जाहिर सी बात सबसे पहले रॉक बनी, रॉक बन डिपॉजिट होने स्टार्ट हुआ तभी वो लाइफ आई होगी, राइट। तो हम ये वाली कहानी देखेंगे 2.8 से लेकर इधर का, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा लार्ज पे लिख लिया है क्योंकि इसमें जो मेजर चेंजेस हुए उसको हम बताएंगे भी। तो देखिए यहां पे ये ओरिजिन ऑफ अर्थ है, फर्स्ट रॉक इन वर्ल्ड, ये वर्ल्ड और ये इंडिया में फर्स्ट रॉक मिलती है। तो देखिए ये और यहां से लाइफ आई। तो अब ये हम देखेंगे कि कैसे चेंज हुए, कैसे कैसे, कहानी की तरह एकदम सुन लीजिए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और इससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो मेजर चेंजेस हैं, फर्स्ट रॉक कब आई, फर्स्ट रॉक इंडिया में कब आई और लाइफ कब आई, ऑक्सीजन कब आई, उन सबकी एज और क्या कंडीशन रही होगी, ये सब पूछता है। तो देखिए जब अर्थ बन रही थी, हमें पता है कि अर्थ एक हॉट मेल्टेड सब्सटेंस और गैसियस सब्सटेंस से मिलकर बनी, उसके कंडेंसेशन से। तो ये मटेरियल जब कंडेंसेशन कूल डाउन हो रहा होगा तो जाहिर सी बात जब कूल डाउन होगा तो हैवियर मटेरियल नीचे जाने की कोशिश करेंगे। तो हुआ क्या, जितने हैवियर मटेरियल थे अर्थ की कोर की तरफ जाते गए, राइट, इसीलिए कोर डेंसर है, और लाइटर ऊपर की ओर भागेंगे, गैसियस जो फॉर्म में जो चीजें थी तो वो स्कैप हो रही थी वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू। तो उस टाइम का जो एटमोस्फेयर था वो कैसा रहा होगा सोचो, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो सबसे ज्यादा क्या CO2, तो एटमोस्फेयर उसमें बहुत भयंकर CO2 थी, बहुत ज्यादा अमाउंट में।
वाटर वेपर भी मैग्मा में निकलती है, तो वाटर वेपर भी बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में थी, नाइट्रोजन भी थी, सल्फर डाइऑक्साइड और अदर जो गैसेस हैं लाइटर गैसेस वो सब थी, मीथेन, जितने भी, ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्मा जब वोल्केनिक इरप्शन होता जितनी गैसेस निकलती है मोस्टली वो सब थी और भी सब गैसेस थी। तो अभी जब इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा तो वाटर वेपर वो वाटर वेपर के फॉर्म में कंडेंस नहीं हो पाएगी। तो अभी जो अर्ली एटमॉस्फेयर की जो हम बात करेंगे, अर्ली एटमॉस्फेयर, तो सबसे पहले ये उस टाइम पे एटमॉस्फेयर था, राइट, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कुछ टाइम के बाद हाइड्रोस्फेयर आए, जब थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा तभी तो वाटर वेपर वाटर के फॉर्म में बन पाएगी, तभी हाइड्रोस्फेयर आएगा, राइट। तो इस टाइम पे सिर्फ एटमॉस्फेयर था, हाइड्रोस्फेयर नहीं था। जब टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, वाटर वेपर कंडेंस्ड हुई, तब जाके थोड़ा सा वाटर बॉडी आई तो ओशियन बना, जहां पे डिप्रेस्ड एरिया था वहां वाटर फिलअप होना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे वाटर की क्वांटिटी बढ़ी, वो ओशियन का फॉर्म ले लिया। तो अभी देखिए, इमेजिन करिए कि आप जैसे जो आज का एटमॉस्फेयर है उसका उस टाइम पे वैसा एटमॉस्फेयर नहीं था। तो सोचिए जब हाइड्रोस्फेयर आया होगा, जो आज का हाइड्रोस्फेयर का कंपोजिशन है, ओशियन वाटर का जो कंपोजिशन है, वो क्या वैसा रहा होगा? नहीं रहा होगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर और ओशियन का इंटरकनेक्शन रहता है, तो जैसा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन होगा हाइड्रोस्फेयर का कंपोजिशन भी वैसा बनेगा। तो उस टाइम पे जो हाइड्रोस्फेयर का कंपोजिशन था वो बहुत एसिडिक था, उस टाइम पे कोई भी चीज उसमें डिपोजिट ही नहीं हो सकती थी, सिलिका वो डिजॉल्व स्टेट में थी, कैल्सियम कार्बोनेट तो वैसे भी एसिडिक में डिजॉल्व हो जाती, सिलिका एसिडिक में सर्वाइव कर सकती है, बट इतना ज्यादा हाई एसिडिक एनवायरमेंट में था कि सिलिका भी डिजॉल्व स्टेट में थी। तो ये देखिए, यहां से फिर सेडिमेंट्री रॉक का कंसेप्ट ही नहीं आया था, क्योंकि इतना जब सेडिमेंट्री रॉक कब आएगी, वाटर हो, रॉक कोई बनी हो, इग्नियस रॉक डिपोजिट होकर सॉलिडिफाई हो, को इरोड कर सके, डिपोजिट हो, तब सेडिमेंट्री रॉक आएगी। लेकिन जब इरोजन हो रहा है, तो इरोजन देखिए, वाटर इरोजन करता है, लेकिन इतना एसिडिक नेचर का अगर वाटर होगा तो इरोजन नहीं करेगा, और डिकम्पोज कर देगा, मटेरियल डिजॉल्व कर देगा, तो वो अपने में ही वो डिजॉल्व स्टेट में मटेरियल रहता था, डिपोजिट होने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर जब टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, तो देखिए क्या दो चीजें, अर्ली एटमॉस्फेयर, अर्ली हाइड्रोस्फेयर, क्या क्या था देख लीजिए। यहाँ पे CO2 बहुत ज्यादा थी, एंड वाटर वेपर, मीथेन, लाइटर गैसेस, ये सब एटमॉस्फेयर में अर्ली एटमॉस्फेयर थे, ऑक्सीजन थी ही नहीं बाद में बनी जाके, राइट, नाइट्रोजन भी बहुत कम था, जिससे अभी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में उस टाइम बहुत कम था, सबसे ज्यादा CO2 थी। फिर अर्ली जो हाइड्रोस्फेयर बना, यहां देखिए सीक्वेंस है, पहले एटमॉस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फेयर, उसके बाद ऑक्सीजन आएगी, फिर रॉक डिपोजिशन स्टार्ट होगा, लाइफ आएगी। तो जब ऑक्सीजन फिर आई, जब हाइड्रोस्फेयर कैसा था उस टाइम पे, देखिए जो हाइड्रोस्फेयर था वो बहुत ही एसिडिक था, पीएच उसका 1 से लेकर 2, बहुत हाईली एसिडिक, तो इसमें कोई भी चीज हार्ड स्टेट में रही नहीं, डिजॉल्व स्टेट में रहती थी सिलिका। अब देखिए जब टेम्परेचर डाउन हुआ तब वाटर बना, कैसा, एसिडिक नेचर का, जब एसिडिक नेचर न्यूट्रलाइज हुआ, मतलब अल्कलाइन की तरफ गया, पीएच इंक्रीज हुआ, तब रॉक डिपोजिशन स्टार्ट होगा, राइट। तो जब एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर था उसी टाइम पे ऑक्सीजन बन गई थी, कैसे, ऑक्सीजन CO2 थी, वाटर था, तो उसे रिएक्ट करके सन रेज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन बन गई थी, राइट, कैसे, CO2 प्लस H2O और सन रेज O2 बनेगी। तो अभी देखिए तीन चीजें देखा हमने, एटमॉस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फेयर, उसी टाइम ऑक्सीजन बन, राइट। जब हाइड्रोस्फेयर का वाटर जो न्यूट्रलाइज हुआ थोड़ा सा, यानी लो एसिडिक नेचर का हुआ, तब रॉक डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले सिलिका डिपोजिट हुआ, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, मतलब
न्यूट्रलाइज कंडीशन में आया तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन स्टार्ट हुआ। तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे डिपोजिट स्टार्ट होगा तभी तो लाइफ आएगी, क्योंकि ये जो लाइफ के जितने भी ये फॉर्म है स्टोमेटोलाइट ऑनकोलाइट्स कार्टोग्राफिक्स, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में ही डिपोजिशन ये मिलता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन स्टार्ट होगा तभी लाइफ आएगी। तो इनके थोड़ा सा क्या याद रखना है, टाइम पीरियड जो चेंजेस हो रहे हैं, बस ये एग्जाम में पूछा जाता है और एक बेसिक जो स्टोरी डेवलप हो जाएगी माइंड से, उससे तुम आप पढ़ोगे जब नेक्स्ट टॉपिक तो बहुत आसानी से कंसेप्ट बना रहेगा, एक मेजर टाइम स्केल बनी रहेगी, तो उससे चीजें एक सिक्वेंस से पढ़ने में मजा आएगा। पहला क्या, हेडियन टाइम 4.0 तक, राइट, ये हेडियन, ठीक। फिर 4.0 पे क्या है, फर्स्ट रॉक बनी थी वर्ल्ड में, फिर 3.8 पे इंडिया में पहली रॉक बनी, राइट। ये अर्ली आरपीएम था ये पूरा, ये कब तक, जब रॉक डिपोजिशन स्टार्ट होने से पहले तक, राइट। तो इधर लेटर पार्ट जो के जब लेट आर्कियन टाइम पे आया, बिगिनिंग ऑफ लेट, उस टाइम पे लाइफ आ गई। तो सबसे पहले उसे जस्ट बिफोर कैल्शियम कार्बोनेट का रॉक डिपोजिट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 3.1 समथिंग, सॉरी 2.9 समथिंग, इधर 3.1 हो गए। तो पहले सिलिका डिपोजिट हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट स्टार्ट हुआ, एसिडिक नेचर न्यूट्रलाइज हुआ, फिर ये डिपोजिट स्टार्ट हुआ, तब जाके लाइफ आई, उसके बाद फिर रॉक डिपोजिशन स्टार्ट हो गया आर्कियन टाइम की। तो वो हमारे इंडिया में धारवाड़ है, बुंदेलखंड क्रेटान है, सिंहभूम क्रेटान है, सेंट्रल इंडिया है और अरावली है, ये सब तुम आर्कियन टाइम के मिलेंगे। तो फर्दर हम पढ़ेंगे उनकी लिथोलॉजी क्या है, उसमें ओल्ड मिनरल कौन से मिल रहे थे, कौन से मिल रहे हैं, राइट, और लिथोलॉजी ओल्ड मिनरल्स और वोल्केनिक एक्टिविटी उस टाइम पे, वोल्केनिक इरप्शन कौन कौन से हुए किस क्रेटान में, और उनका इक्विवेलेंट रॉक इंडिया में कहां मिलती है, तो वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी इसमें आई होप कि सब समझ में आ गया होगा, हमने प्री कैम्ब्रियन हिस्ट्री ऑफ दी अर्थ बताया, यानी अर्थ के ओरिजिन से लेके पहली रॉक डिपोजिशन तक का और लाइफ आने तक का जो टाइम पीरियड था, कैसे कैसे चेंजेस हुए और क्या सुटेबल कंडीशन बनी तब रॉक डिपोजिट होना स्टार्ट हुई और लाइफ आना स्टार्ट हुई, तो वो हमने देखा। अर्ली एटमॉस्फेयर कैसा था, फिर उसके बाद हाइड्रोस्फेयर आया, टेम्परेचर जब न्यूट्रलाइज डाउन हुआ तो वो अर्ली हाइड्रोस्फेयर कैसे था, एसिडिक नेचर का था, जब वो एसिडिक नेचर से न्यूट्रलाइज कंडीशन में आया नहीं सेवन की तरफ आया तब सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट होना स्टार्ट हुआ, फिर लाइफ आई, ओके। तो एक क्वेश्चन ये बताइए कि उस टाइम पे CO2 एटमोसफेयर में बहुत ज्यादा थी और अभी CO2 एटमोसफेयर में बहुत कम है, वो सब CO2 गई कहां, ये क्वेश्चन है। तो जिस किसी को पता है क्वेश्चंस वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। देखिए उस टाइम पे CO2 बहुत ज्यादा थे, अभी CO2 कितना है 0.03%, राइट, और उस टाइम लगभग CO2 70-80% थी। अब इतनी बची CO2, सारी CO2 कहां गई, ये क्वेश्चन है, इसको जिसको आता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। एक चीज ये देखिए कि उस टाइम पे जब रॉक डिपोजिशन स्टार्ट हो गया तो उस टाइम पे प्लेट टेक्टोनिक कैसी थी, जैसे अभी क्या है, प्लेट हॉरिजॉन्टल मूव कर रही थी, उस टाइम भी मूव कर रही थी प्लेट, ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात जब कन्वेक्शन करंट बनेगी मैग्मा आएगा तो जाहिर सी बात मौसम तो होगा, उस टाइम पे भी यही था, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था और सबडक्शन हो रहा था, तो जाहिर सी बात प्लेट टेक्टोनिक थी। तो उस किस टाइप की थी, देखिए अभी जो क्रस्ट की थिकनेस है लगभग एवरेज 50 किलोमीटर, राइट, 50-60 माउंटेन में और लैंड पे 33 किलोमीटर, ये तो ये बहुत थिक है, थिक जब है इस वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा प्लेट टेक्टोनिक का। बट जब यहां पे रॉक डिपोजिशन स्टार्ट हो गया उस टाइम पे, इधर जब इग्नियस रॉक बन रही थी, फिर इग्नियस से सेडिमेंटरी रॉक बनना स्टार्ट हुई जब वाटर थोड़ा न्यूट्रलाइज कंडीशन में, उस टाइम पे कैसा था प्लेट टेक्टोनिक, देखिए इतना टेम्परेचर हाई था और क्रस्ट की थिकनेस बहुत ही बहुत थिन थी, और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, थिन मटेरियल है, तो स्ट्रेंथ उसमें कहां आएगी, तो वो थोड़ा सा मूव किया सब्सिडियंस, राइट, वो इतना स्टेबिलिटी ही नहीं थी हॉरिजॉन्टल दूर तक जा सके, तो इसलिए उस टाइम पे वर्टिकल टेक्टोनिक थी, कि मटेरियल थोड़ा सा मूव किया ऐसे ऐसे
और ये हो गया, फिर मैग्मा इरप्शन हुआ ऐसे आया, तो ऐसे चल रहा था वर्टिकल टेक्टोनिक। अभी तो आर्कियन तक ये वर्टिकल टेक्टोनिक प्रोटोजोइक टाइम पे हॉरिजॉन्टलाइज क्रस्ट थोड़ा सा थिक हुई, राइट। अब ये जैसे मैं बोल देता हूँ प्रोटोजोइक में या आर्कियन में आई, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मिलियन ऑफ ईयर में सडन चेंज नहीं हुआ, ग्रेजुअली चेंज होते हैं, पूरा मैकेनिज्म है, ये नहीं कि ड्रेस्टिक चेंज हुआ आज तुमने वर्टिकल फिर एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेट टेक्टोनिक आ गई, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली जब थिकर क्रस्ट होती गई तब जाके चेंज हुआ।